उत्तरकाशी बोगद्यात बचाव कार्य सुरू आहे। अडकलेल्या मजुरांच्या सुटकेचेही प्रयत्न सुरू आहेत। तर बोगद्याबाहेर वैद्यकीय पथक ही तैनात करण्यात आलेलं आहे। हे दृश्य आपण पाहतोय। या ठिकाणी सुटकेचे प्रयत्न सुरू आहेत। अडकलेल्या मजुरांचा सुटकेचा प्रयत्न सुरू आहे। शर्थीचे प्रयत्न मागच्या काही दिवसांपासून युद्ध पातळीवर हे प्रयत्न सुरू आहेत। बोगद्याबाहेर वैद्यकीय पथक ही तैनात करण्यात आलेलं आहे। त्यामुळे उत्तरकाशी बोगद्यात बचाव कार्य हे अद्यापही सुरू आहे। बस 4 दिन से यहाँ पे हूँ और जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से सारे 41 जो श्रमिक थे वो भी चंद खेरों में बाहर आएंगे। मैं जगन्नाथ जी को धन्यवाद देता हूँ और उत्तराखंड सरकार को। और सरकार ने क्या तैयारी की है आपकी सरकार ने यहाँ से उड़ीसा तक भुवनेश्वर तक? नहीं, अभी अभी माननीय मुख्यमंत्री से बात हो रहा था, क्योंकि अभी तुरंत श्रमिक लोग को मेडिकल में लिया जाएगा और कुछ घंटों के लिए या हो सकता है 24 घंटा जो स्थानीय सरकार निर्धारण करेगा इसको मेडिकल ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। 24 घंटे जो माननीय मुख्यमंत्री और जो सारे डिस्कस हो रहा था अभी जो बातचीत हुई उसमें निकालने के बाद सभी को 24 घंटे रखा जाएगा ऑब्जर्वेशन। हाँ सुनिए, बात क्या होता कि देखिए डेफिनेटली क्योंकि 17 दिन जो स्थिति में रहे तो इनको मेडिकल सपोर्ट चाहिए और मेडिकल का ट्रीटमेंट भी चाहिए। तो ये सारे सिलसिला खत्म होने का बाद फिर हम प्रक्रिया शुरू करेंगे कि कैसे हमारा जो श्रमिक भाई आए हैं उनके रिश्तेदार कैसे राज्य में जाएंगे अपने घर में पहुंचे। तो 24 घंटे तक चिलियारीसौड़ अस्पताल में रखा जाएगा सब? जो सुनिए देखिए सरकार की व्यवस्था होता है, ठीक है, और माननीय मुख्यमंत्री या जिला प्रशासन या राज्य प्रशासन जो कार्यक्रम करेगा वो भलाई के लिए करेगा वो उसमें देखिए कहीं। हाँ अच्छी बात है, मेडिकल ऑब्जर्वेशन में बिल्कुल जानना ये चाहता हूँ कि मेडिकल ऑब्जर्वेशन में 24 घंटे चिलियारीसौड़ अस्पताल में रखा जाएगा? हाँ हो सकता है बड़े हॉस्पिटल में लिया जा सकता है, लेकिन जो हॉस्पिटल का नाम बताए उस हॉस्पिटल में सारे तैयारी किया जा चुका है और आप देखते होंगे कि सारे एम्बुलेंस एक एक वो श्रमिक को लेने के लिए एक एम्बुलेंस टीम खड़ा हुआ है। तो तुरंत ये लोग जाके आप हॉस्पिटल में पहुंचेंगे, फिर इसके बाद सरकार से बात करके जो उनका निर्धारित कार्यक्रम है खत्म होने के बाद फिर हम प्रदेश में लेने की बात करेंगे। शारदा प्रसाद नाइक, मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा कांग्रेस। तर बोगद्याबाहेरील वैद्यकीय पथक ही तैनात करण्यात आलेलं आहे। उत्तरकाशी बोगद्यात बचाव कार्य सुरू आहे। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।